आईपीएल 2022 में होगा मेगा ऑक्शन यानी कि बड़ी नीलामी, जहां आईपीएल की सभी टीमों को अपनी टीम से सभी खिलाड़ी को रिलीज करना होगा, बाहर करना होगा। मात्र तीन तीन ही पुराने खिलाड़ी को अपनी टीम में दोबारा शामिल कर सकती है, रिटेन कर सकती है। तो वहीं आईपीएल के ऑक्शन में एक टीम दो आरटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सकती है अपने पुराने खिलाड़ियों पर। तो आईपीएल 2022 में एक टीम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपने पुराने 5 खिलाड़ी को ही अपनी टीम में दोबारा शामिल कर सकती है। उसके अलावा आईपीएल की सभी टीमों को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से खिलाड़ी को खरीद कर अपना पूरा कंप्लीट टीम स्क्वाड तैयार करना होगा, एक नई टीम बनाना होगा। तो चलिए बात करते हैं सभी टीमों के रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले मुंबई इंडियंस की रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में आईपीएल 2021 के लिए। तो मुंबई इंडियंस की टीम अपने 3 खिलाड़ी को जो रिटेन करने वाली है उसमें नाम सबसे पहले है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन जो कि ये आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान है, तो इन्हें रिटेन करने वाली है मुंबई इंडियंस। दूसरे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जबरदस्त ऑलराउंडर। तीसरे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग। तो इन तीन बड़े खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस की टीम रिटेन करने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। अब अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले विराट कोहली को रिटेन करने वाली है। दूसरे खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, मिस्टर 360, इन्हें रिटेन करने वाली है। तीसरे खिलाड़ी युजवेंद्र चहल, जबरदस्त स्पिनर। तो इन तीन बड़े खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। अब अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने 3 बड़े खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, जिसमें नाम है श्रेयस अय्यर, दिल्ली कैपिटल्स के जबरदस्त प्लेयर। पिछले साल नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, लेकिन इस बार आईपीएल 2022 का पूरा सीजन खेलने वाले। दूसरे खिलाड़ी ऋषभ पंत, जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन। तीसरे खिलाड़ी कगिसोर अबादा। तो इन तीन बड़े प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन करने वाली है। अब अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू सैमसन, जबरदस्त युवा विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान, जबकि बेन स्टोक्स जबरदस्त ऑलराउंडर और जोफ्रा आर्चर जबरदस्त बेहतरीन तेज गेंदबाज। तो इन तीन बड़े खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिटेन करने वाली है, दोबारा अपनी टीम में शामिल करने वाली है आईपीएल 2022 में। अब अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो केकेआर की टीम इन तीन बड़े प्लेयर को रिटेन करने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले, जिसमें नाम है शुभमन गिल का नंबर 1 पर। दूसरे खिलाड़ी आंद्रे रसल, जबरदस्त विस्फोटक ऑलराउंडर। तीसरे खिलाड़ी जॉन मॉर्गन। तो इन तीन बड़े प्लेयर को रिटेन करने वाली है केकेआर। अब अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो आईपीएल 2022 के लिए पंजाब किंग्स की टीम नंबर 1 पर रिटेन करने वाली है केएल राहुल को, नंबर 2 पर मयंक अग्रवाल को, नंबर 3 पर मोहम्मद शमी को। अब अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने 3 बड़े प्लेयर को रिटेन करने वाली है, जिसमें नाम नंबर 1 पर है सुरेश रैना का, मिस्टर आईपीएल, जबकि नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा, जबरदस्त ऑलराउंडर। नंबर 3 पर महेंद्र सिंह धोनी। तो वहीं अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने 3 बड़े प्लेयर को रिटेन करने वाली है, जिसमें नाम नंबर 1 पर केन विलियमसन का है, जहां पिछले साल केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद का नया कप्तान बनाया गया था। दूसरे खिलाड़ी राशिद खान, जबरदस्त स्पिनर। तीसरे खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, जबरदस्त तेज गेंदबाज। तो इन तीन बड़े प्लेयर को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रिटेन करने वाली है। तो गाइस ये आईपीएल 2022 के लिए सभी टीमों के रिटेन प्लेयर लिस्ट, जो कि ये संभावित रिटेन प्लेयर लिस्ट है, लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि सभी 8 टीम इन्हीं तीन तीन प्लेयर को रिटेन करने वाली है। तो आपके अनुसार किस टीम को कौन से खिलाड़ी को रिटेन करना चाहिए आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।